अक्सर कहा जाता है कि चिकित्सक भगवान का दूसरा रूप होता है। शायद इसीलिए कहा जाता है कि एक चिकित्सक ही मौत की कगार पर जा चुके व्यक्ति को एक नई जिंदगी प्रदान कर सकता है। लेकिन कुछ चिकित्सक अब इस दर्जे के लायक नहीं रह गए हैं। जो चिकित्सा के इस पेशे को मानव सेवा से हटकर इसे एक बिजनेस का रूप दे चुके हैं और पैसे ऐंठने के चक्कर में तरह तरह के हथकंडे अपनाते नजर आते हैं। वहीं बात अगर बड़े शहरों की करें तो अक्सर बड़े शहरों के निजी अस्पतालों में बीमार व्यक्ति की मृत्यु होने के बाद भी इलाज करने के नाम पर तरह तरह की जांच करने और उपचार के नाम पर लंबा चौड़ा दवाइयों का बिल थमाकर पैसे ऐंठने की बात सामने आती है। लेकिन अब यही आरोप बालाघाट जैसे छोटे शहर के निजी अस्पताल में भी लगने लगे हैं। आरोप है कि नगर के भटेरा चौकी स्थित बालाघाट हॉस्पिटल में भर्ती एक महिला की मृत्यु होने के बाद भी वहां के चिकित्सक पैसे लूटने के लिए मृत महिला का उपचार करते रहे, जहां न सिर्फ मृत महिला की तरह तरह की जांच कराई गई बल्कि मृत्यु के बाद भी दवाई सहित अन्य ट्रीटमेंट दिया गया। जहां परिजनों के द्वारा उपचार के लिए पैसे नहीं होने की बात कहने पर महिला को मृत घोषित कर उसका शव उनके परिजनों को सौंप दिया गया। लेकिन अब मृत महिला के परिजनों को पैसे के लिए अस्पताल बिल भुगतान के लिए तरह तरह का दबाव बनाकर उन्हें परेशान किया जा रहा है। शायद यही वजह है कि घटना के एक माह बीत जाने के बाद भी अब तक निजी अस्पताल प्रबंधन द्वारा मृत हो चुकी महिला के इलाज संबंधी दस्तावेज और मृत्यु प्रमाण पत्र अब तक जारी नहीं किया गया है, जिसको लेकर शनिवार को मृत महिला के परिजनों ने हंगामा मचाते हुए निजी अस्पताल के संचालक व इलाज करने वाले चिकित्सकों के खिलाफ कोतवाली थाने में एक आवेदन देकर मामले की निष्पक्ष जांच कर दोषियों पर वैधानिक कार्यवाही किए जाने की मांग की है और बालाघाट हॉस्पिटल को सील बंद किए जाने की भी मांग की है। जी, हम इसलिए आए कि मम्मी की जहाँ जिस हॉस्पिटल में डेट हुई है तो वहाँ हमको वहाँ का डॉक्टर हमको डेथ सर्टिफिकेट नहीं दे रहा, इसलिए हम थाना कोतवाली आए हैं अपना आवेदन लेने के। कहाँ का मामला है और क्या है पूरी घटनाक्रम? ये मामला हमारी मम्मी की कुछ महीने पहले एक मम्मी को कुत्ता काटा था और काटने के बाद 3 महीने बाद कुछ नहीं हुआ, तो उसके बाद अचानक में तबीयत ख़राब हुई। 2 दिन के बाद हम फिर बालाघाट लेके आए और डॉक्टर बालाघाट हॉस्पिटल में लोकली हॉस्पिटल है बोलते, उसके यहाँ हम चेक करने के लिए गए मम्मी को और उन्हें सीधा कंडीशन देख के सीधा ICU में भर्ती कर लिए। फिर क्या हुआ? फिर वहाँ ट्रीटमेंट चलता रहा और हमने उन्हें बताया भी नहीं क्या ट्रीटमेंट में कितना खर्चा आएगा क्या आएगा, हमको कुछ नहीं पता था। फिर भी उन्होंने हमको ज़बरदस्ती उन्होंने भर्ती ले ली हमको और दूसरे दिन चलता रहा और हमने दूसरे दिन 3 तारीख की बात है, हम 2 बजे उनसे डिस्चार्ज के लिए बोले छुट्टी लेंगे के लिए, फिर भी उन्होंने बोले नहीं, बोले पेशेंट में थोड़ा बदलाव दिख रहा है बोले, फिर भी रखो बोले और बोले अभी तक इतना पैसा लगा बोले और लगवा लो बोले, और उन्हें फिर भी अपने मन की मानी किए और उन्हें फिर से भर्ती रखे। और उस पश्चात मेरे पिताजी मम्मी को जब देखने के लिए जा रहे थे तो वो हमको ICU में जाने देते नहीं थे, पिताजी ने फिर भी ज़बरदस्ती किया और देखने के लिए गए तो पापा ने मुझे बाहर आके बताया, बेटा बोले आई को जब हाथ लगा रहा था बोले तो उन्हें हाथ भी लगाने दिए बोले, और पिताजी ने बताया कि जो बॉडी बोले आई की बोले उनकी सफ़ेद सफ़ेद नज़र आ रही बोले, 3 तारीख की बात है ये। और उसके बाद फिर बाहर आया, फिर उन्होंने मुझे बताया सुबह बोले इलाज पूरा अभी फालतू में जा रहा है बोले, मम्मी की डेट हो गई बोले, फिर भी उन्होंने हमको वेंटिलेटर पे मशीन पे रखी है मम्मी को और उन्होंने हमको हिलाती हुई बॉडी दिखा है बस। और दूसरे दिन मम्मी 3 तारीख की डेट हो गई थी और दूसरे दिन हमको 6 बजे उन्होंने बता दिए कि मम्मी की डेट हो गई और उन्होंने बोले पैसे की बात आ गई तो उन्होंने बोल दी सीधा मम्मी की डेट होगी पर पैसा मांगने लगे। कितने पैसे आप लोग ने लगा चुके हैं? हमने कहाँ पे इलाज चल रहा है उनको और आपकी मम्मी का नाम क्या है? वे है बालाघाट हॉस्पिटल बजाज के नाम से जाना जाता है और वहाँ हमने 16,000 रुपये खर्च कर चुके हैं। तो अभी आपकी मम्मी की दे दी है? हाँ, मम्मी की डेड बॉडी फिर हमको 3-4 तारीख की सुबह को हमको 8 बजे दे दिए थे उन्होंने। वहीं इस पूरे मामले को लेकर की गई चर्चा के दौरान बालाघाट हॉस्पिटल प्रबंधन ने पीड़ितों के सभी आरोपों को झूठा और बेबुनियाद बताते हुए उनके बालाघाट हॉस्पिटल में किसी भी मृत महिला का उपचार नहीं किए जाने की बात कही गई है। उन्होंने बताया कि जब उक्त महिला का उपचार किया जा रहा था तब तक वह महिला जिंदा थी। उन्होंने इस पूरे मामले में पीड़ितों पर ब्लैकमेलिंग करने का आरोप लगाया है, जिन्होंने स्पष्ट कर दिया कि पीड़ित ने अस्पताल का बिल जमा नहीं किया, इसीलिए वे अस्पताल प्रबंधन व चिकित्सकों पर झूठे और बेबुनियाद आरोप लगा रहे हैं, जिसकी शिकायत उन्होंने भी कोतवाली पुलिस से की है। हाँ, वो कुछ
दो तारीख को भर्ती हुई थी राधन भाई कुशराम, दो तारीख को, और मेरे ख्याल से चार तारीख को एक्सपायर हुई। उस समय मैं यहाँ था भी नहीं, मैं मैरिज में बाहर गया हुआ था कहीं। तो मुझे फ़ोन आया चार तारीख की रात को कि भाई इनके पास पेमेंट नहीं है, किसी डॉक्टर ने फ़ोन किया, तो इनको बॉडी के लिए कोई प्रॉब्लम तो नहीं होगी। मैंने कहा नहीं ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, आप ले जा सकते हैं। ये उसी समय बॉडी को ले गए, सीरियसली आईसीयू में थी पेशेंट। उसके बाद बॉडी को लेके चले गए, लेके चले गए, उन्होंने पेमेंट जमा नहीं किया कि पैसे नहीं है, बाद में जमा कर देंगे। तो दो चार पाँच दिन हुआ, हफ्ता दस दिन हुआ, नोटिस नहीं हुआ, आए नहीं। उस समय जल्दी जल्दी में डेथ सर्टिफिकेट लेके भी नहीं गए, लेकिन नियम ये रहता है कि नोटिस हो जाए उसके बाद पूरी कार्यवाही, तो पूरे पेपर दे देते हैं। तो एक हाथ बार आए होंगे, इसी बीच मुझे कुछ मेरी कैजुअलिटी हो गई, तो मैं हॉस्पिटल जा नहीं पाया हूँ लगभग 15-20 दिन से। तो इन्होंने डेथ सर्टिफिकेट के लिए गए होंगे ये, तो उन्होंने बोले भाई नोड्यूस करवा लीजिए आप। इनका मेडिकल का बिल बचा हुआ था 25,000 रुपये, हॉस्पिटल का बिल बचा था, मेडिकल का भी 18,000 करीब बचा है, एक पैसा भी नहीं दिया था उन्होंने। हमें गुड फेथ पे उनको दवाइयाँ दिलवा दी थी कि भाई ठीक है आप दे देना। तो उन्होंने मेडिकल वाले ने बोला होगा कि भाई हमें नोड्यूस करवा लीजिए, पेमेंट दे दीजिए। उन्होंने बोला हम दे देंगे, अभी नहीं है। तो बोले ठीक है हम कल दे देंगे, कल आते हैं। उसके बाद वो आए नहीं, आए नहीं। उसके बाद कुछ दिन पहले मेरे पास फ़ोन आया, कुछ दिन पहले फ़ोन आया कि आप इनको डेथ सर्टिफिकेट नहीं दे रहे हैं। मैंने कहा भाई ऐसा नहीं है, डेथ सर्टिफिकेट नहीं दे रहे हैं। वो आए थे एक बार, बोले हम कल पैसे लेके आते हैं और दे देंगे आपको। आपने बोले ठीक है कोई प्रॉब्लम नहीं हमको, आप ले जा लीजिए। उसी दिन मैंने तीन तारीख को, शायद दो या तीन तारीख को इनका फ़ोन आया था किसी का, तो मैंने कहा ठीक है ना भेज दीजिए आप, डेथ सर्टिफिकेट ले लेंगे। तो शायद इनके नोटिस नहीं होने के कारण पेपर वर्क नहीं हो पाया होगा, तो उन्होंने बोला कि भाई कल आके ले लेना। तो इन्होंने फिर अभी हमें ब्लैकमेल करना चालू किया है कि आपने हमसे पैसे मांगा मेडिकल का और इसका हॉस्पिटल का, इसलिए हम आप पे केस करेंगे कि आपने गाली दी है और ये किए, जबकि ऐसी कोई बात ही नहीं हुई है। अस्पताल में कोई इतने बड़े इसमें गाली देता है कैसी अस्पताल में? पूरे अस्पताल में सीसीटीवी कैमरेज लगे हुए हैं। उन लोग ने आरोप लगाया सर, मैं मैनेजमेंट देखता हूँ, बॉडी का आप लोग इलाज कर, सवाल ही नहीं उठता ऐसा कभी भी कहीं पे भी कोई भी डॉक्टर नहीं करता बालाघाट में।